अब और भी शक्तिशाली बनेगा सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस सलमान ने रखी एक नई योजना की नींव। अमेरिका के पेट में हुआ दर्द। पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति को पूरा करने वाला सऊदी अरब अब अपनी जरूरतों पर ध्यान देने लगा है। एक नई सऊदी अरब का ख्वाब दिखाने वाले क्राउन प्रिंस सलमान ने एक ऐसी योजना की नींव रखी जो सऊदी की ऊर्जा जरूरतों को चुटकियों में पूरा करेगी। अब तक सऊदी अरब अपनी ऊर्जा के लिए तेल और प्राकृतिक गैसों पर निर्भर रहता आया है, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी ने एक नया विकल्प तलाश लिया है। जी हाँ, क्राउन प्रिंस सलमान के नेतृत्व में अब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा बीते सोमवार हुई। प्रिंस सलमान ने सऊदी के पहले परमाणु रिएक्टर की आधारशिला तो रख दी, लेकिन इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के विकास और रिसर्च पर होगा या फिर किसी और में, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर अब अमेरिका की नींद उड़ गई है। सूत्रों की माने तो प्रशासन ने अगले 2 दशक में 16 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना रखी है, जिस पर करीब $80 अरब का खर्चा आएगा। यानी कि परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए सऊदी को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा। लेकिन इस पर अमेरिका का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। ईरान ने जब अपने परमाणु कार्यक्रम जारी रखे तो कड़े प्रतिबंधों की आड़ में अमेरिका की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। ऐसे में अमेरिका को दरकिनार कर सऊदी अरब अपना पहला परमाणु रिएक्टर कैसे बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।